करो थोड़ा सा, चार नंबर पांच नंबर प्लेटफॉर्म पे टेढ़ी हालत है यार। सामने आप ऐसा हसो गलत यो मैम एक मिनट यार, एक को देखो उसको देखो, एक ही करना नहीं, दो यार है। ओके ओके, वन लेफ्ट से राइट जाओ, फिर जैसे आपको मिलेगा उनको मिलेगा ना। डोंट क्लिक वाला बुकिंग है, मैंने बुकिंग है इधर क्लिक, सिंपल सी बात है यार। तो आप ही यार मिला आप अलका जी से पूछ लीजिए, फिर मैं बाद में लोग से लेती हूँ। आपको आई वी नीड यू टू टॉक मोर देन। सबसे पहले तो आप सबको कांग्रेचुलेशन, आपकी फिल्म इतना अच्छा कर रही है, क्या मतलब आपने ऐसी उम्मीद की थी कि फिल्म इतना अच्छा करेगी? ये सवाल आपका है, क्या उम्मीद की थी? अगर उम्मीद नहीं होती तो क्यों करते फिर हम? उम्मीद अगर नहीं होती तो क्यों करते? हमारा काम है अच्छी मौसीकी करना और उसके बाद छोड़ देते हैं, समझे? सर किस तरह का अप्रिशिएशन मिल रहा है लोगों से? देखिए, एज फार एज द म्यूज़िक इज़ कंसर्न, ये लोगों ने बहुत पसंद किया है। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मैंने म्यूज़िक दी है बहुत अरसे के बाद। एक तो मजाज साहब का कलाम, मजाज लगता है भी बड़े मशहूर, और हमने उस पर काफ़ी मेहनत की, सोच समझ के। अब जैसा कि आप ये सुन रहे हैं, ये बहुत ज़माने के बाद फिल्मों में ऐसा एक मौका मिला है, यानी कि मेरा है मौका मिला है। और फिर ऐसे सिंगर अलका मेरे से बहुत करीब हैं, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की, इन्होंने नहीं, क्योंकि मैंने इस टाइप की गायकी ज़्यादा करी नहीं है फिल्मों में, रोमांटिक गाने गाती रही हूँ बिल्कुल। तो तला जी ने जब मुझे कहा कि ये गाना है, तो इट वॉज़ अ प्लेजर एंड एन ऑनर फॉर मी। और मुझे लगता है कि इस तरह के म्यूज़िक की एक ऑडियंस होती है, एक नीच ऑडियंस होती है, और जो समझते हैं इस तरह के संगीत को, वो लोग अप्रिशिएट करेंगे ही अगर काम अच्छा हो। कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि इस तरह के गानों की ऑडियंस थोड़ी कम हो गई है, जैसे अभी गाने? यार ये सवाल के, अगर मेरे को हर सवाल के लिए पैसे मिलते ना, आज मैं करोड़पति होता, खुदा ही कह सकता हूँ। ये आप लोग सवाल सब वही करते हैं आज के ज़माने में। आप क्या कर रहे हैं आज के ज़माने में? म्यूज़िक जैसे म्यूज़िक आ रहे हैं, रैप म्यूज़िक आ रहा है। और एक मिनट, रैप म्यूज़िक किधर आ रहा है? चला गया, ख़त्म हो गया जी। जैसे मतलब इस तरह के गानों को तीन जो नए लोग हैं पसंद नहीं करते। अच्छा, कम ऑडी उर्दू के अल्फाज जो इतने अच्छे मीठे होते हैं वो आजकल बहुत कम देखने, बहुत कम देखने को, सुनने को मिलते हैं। अलवाज देखे नहीं जाते, सुने जाते गाने, गाने वाने जो भी हैं आजकल, वैसे गाने देखे जाते हैं, सुने कम जाते हैं। सही बात, सही बात, उर्दू तो बहुत ही कम हो गए हैं जी जो है। तो आप क्या 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 सुनना चाह रहे हैं मुझसे? देखिए, सुनने वाले फिर भी हैं, समझने वाले हैं, और जो समझने और सुनने वाले हैं उनको चाहिए, दे वांट म्यूजिक ऑफ सब्सटेंस। वो नहीं सुनते हैं ये सब जो आप कह रहे हैं, वो ये गाने, गहरा ये जो कह रहे हैं, ये गाने सुनने वाले नहीं, ये गाने सुनने वाले और वो जो गाने देखने वाले है ना। तो हर किस्म के लोग होते हैं, सबको सबका अपना एक टेस्ट होता है म्यूजिक में, समझ होती है। आपका जो सवाल था ना, सॉरी अलका मैं कट इन कर रहा हूँ, बहुत ही एक यंग रिपोर्टर आई थी आज तक की, उसने यही सवाल किया था, सर आज के ज़माने में हम लोग यंगस्टर्स जो है गज़ल को कैसे सुने, हम उर्दू नहीं समझते। तो मैंने कहा गज़ल का लफ्ज हटा दो, भूल जाओ, वही चीज़ लोग पसंद आ रहा। सुनिए, मैंने कहा मैं दो लाइन पढ़ता हूँ, बताओ मुझे कैसे लगता। अलका ये बहुत मज़े की बात है, मैंने कहा कि अगर तलाश करूँ कोई मिल ही जाएगा, अगर तलाश करूँ कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा। तो कही ओह इट्स सो ब्यूटीफुल, व्हाट इज़ इट? आई सेड फॉरगेट व्हाट इज़ इट। 21 साल की लड़की थी वो बाजार। तो मेरा मकसद कहने का ये है कि अगर कोई अच्छे इमोशंस हैं, हाँ मैं मानता हूँ कि कुछ अल्फाज हैं जिसको समझाना पड़ता है। अभी आप यकीन करेंगे कि मलयालम स्पीकिंग लोग 7,000 की तादाद में कैलिकट में मुझे परसों उन्होंने सुनाया, उससे पहले पलक्कड़ में था मैं, पलक्कड़ केरला, आपने नाम नहीं सुना होगा, मलयालम बोलते हैं वहाँ पर। और वहाँ पर फरमाइश क्या रही थी पता है आपको? शहजाद अहमद शहजाद की गज़ल, खुशकी सही आंखें कुछ ना कुछ तो रोलेंगे, गोश जुबान तर होगी, होंठ ही भिगो लेंगे। आप बताइए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि
دیکھیے آپ جو کہہ رہے ہیں وہ فلم کے جو آج کل دور چل رہا ہے وہ الگ ہے, لیکن اس کا جو ایک آڈینس ہے نا یہ بھی کافی تعداد میں, یہ غلط اصل میں پرابلم یہ ہے کہ جو ماس میڈیا ہے, جو جی سیز ہیں, جو آپ سمجھتے ہیں جی سیز جنرل انٹرٹینمنٹ چینلز جو ہیں, ان کا رجحان پورا اٹس آل آن کنٹروورسیز, رائٹ؟ نہیں اور پتہ نہیں ہے لوگوں کا کچھ مینٹل بلاک ہوتا ہے کیا ہے, غزل وہ غزل ہے, ارے غزل جو بھی چیز اچھی لگے کانوں کو, جو جس میں گہرائی ہو وہ سنگیت اچھا ہوتا ہے, چاہے وہ غزل ہو چاہے وہ کسی دوسرے طرح کا سنگیت ہو. تو یو آل شوڈ ناٹ وہ ایک آپ لوگ اس کو کمپارٹمنٹلائز کر دیتے ہیں, دیٹ از ناٹ گڈ. اچھا سنگیت اچھا سنگیت آپ سے جاننا چاہیں گے آواز بہت کمال کی ہے, بہت ہی زوردار ہے آپ کی آواز, میں بھول نہیں سکتا. آپ پہلے بھی آئی تھی نا دل نوئیڈا میں تھی آپ جی, یہاں بھی آئی تھی آپ کی آواز سے پہچان جی کیا کہہ رہی تھی سوری میں تلا صاحب دیکھیے یہ شام جو ہے میرے لیے خوشی کا شام اس لیے ہے کہ میں نے کبھی اس کی توقع نہیں کی تھی, کبھی سوچا نہیں تھا کہ اتنی اچھی گروتھ ہماری فلم کی ہوگی آج کے دور میں. اور یہ شام میں نے آپ لوگوں کے نام اس لیے کیا ہے کہ مجھے دلی خوشی ہوئی ہے کہ فلم کی گروتھ بہت اچھی ہو رہی ہے, لوگوں کی لائکنگ بہت اچھی ہو رہی ہے, تو یہ میرے لیے خوشی کی بات. آپ برا نہیں مانے نا, نہیں نہیں آپ چھوٹے ہیں ویسے, لیکن یہ میں اس لیے میں ہمارے تقریباً سالوں سے تو بالکل آپ کو آپ نے جو بولا صحیح. Thank you.